भोजपुरी इंडस्ट्री भी कमाल की है। यहाँ दोस्ती इतनी जल्दी होती है जैसे बचपन में बच्चे तुरंत दोस्ती कर लेते थे। यहाँ हर चीज का मिक्स है, कभी लड़ाई, कभी एक दूसरे पर तंज कसना, कभी एक दूसरे से नाराज होना, तो कभी वापस से दोस्ती कर लेना। कभी कभी ये लड़ाई झगड़ा केवल एक मजाक लगता है, मगर फिर लोगों के ऐसे ऐसे बयान आते हैं, लगता है ये लड़ाई कभी सुलझेगी ही नहीं, सीरियस है सब। लेकिन फिर जब उन्हीं लोगों को वापस देखा जाता है तो लगता है सब मजाक था। नमस्कार, स्वागत है आपका जनता रंक्षण में और मैं हूं आपके साथ शिष्य श्रीवास्तव। आज हम आपको बताएंगे कि इस बार भोजपुरी इंडस्ट्री में किसका झगड़ा खत्म हो गया है और दोस्ती हो गई है। दरअसल इस बार दोस्ती हुई है काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव के बीच। इनका झगड़ा और दोस्ती बहुत बार हो चुका है और एक बार फिर से ये साथ आए हैं। अंत में हम आपको उनकी सभी लड़ाई के बारे में भी बता देंगे। शुरुआत करते हैं आज की दोस्ती से। दरअसल काजल राघवानी ने एक रील्स अपलोड किया है जो कि बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और कई सवाल भी खड़ा कर रहा है। और सवाल ये कि क्या खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी की दोस्ती हो गई है या ये बस ऐसे ही है। और ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि काजल राघवानी ने ये रील्स खेसारी लाल यादव के गाने पर बनाया है। खेसारी लाल यादव का एक नया गाना आया है, कुछ दिनों पहले ही आया है, जिसका नाम है मंगलिनिया। और इसी गाने पर काजल राघवानी ने रील्स बनाया है और उसमें उन्होंने खेसारी लाल यादव को टैग भी किया था और लिखा था कि फॉर यू खेसू जी, मतलब खेसारी लाल यादव को वो प्यार से खेसू बोल रही है। और साथ साथ गाने का एक लाइन भी लिखा है। उन्होंने पूरी टीम को बधाई भी दी थी। रील्स बनाते वक्त वो अपना और खेसारी लाल यादव का एक फोटो दिखा रही है जिसमें उन्होंने खेसारी लाल यादव को गोद में उठा रखा है, जो कि उन दोनों के एक गाने का फोटो है। आपको बता दे, खेसारी लाल यादव ने भी काजल के इस वीडियो को लगाया था और उन्हें थैंक यू बोला है। अब लोगों को तो यही लग रहा है कि दोनों की दोस्ती हो गई है। अब आपको एक बार दोनों के लड़ाई के बारे में शुरू से बताते हैं। खेसारी लाल यादव ने एक स्टेज शो में कहा था कि उनकी ये फिल्म लिट्टी चोखा काजल राघवानी के साथ आखिरी फिल्म है। इसके बाद वो कभी काजल राघवानी के साथ किसी फिल्म में नजर नहीं आएंगे। और बाद में फिर खेसारी लाल यादव का एक गाना आया था बदल गई काजल नाम का, और इसी गाने को काजल राघवानी से जोड़ा गया था। और फिर इस सभी बात पर काजल राघवानी ने एक इंटरव्यू में बहुत कुछ बोला था। उन्होंने कहा था कि जो भी संस्कार मुझे चाहिए, मुझे सीखना है, तो मैं अपने परिवार से सीखूंगी और जो मैं देख रही हूँ मैं वैसे सीखूंगी। जो दिखने वाली चीज है मैं वो जरूर सीखूंगी और ना सीखने वाली चीज नहीं सीखूंगी। और क्या सीखूं उस इंसान से जो इस तरह से लड़कियों की इज्जत ना करे। उन्होंने कहा कि मैं बेवफा हूँ, किस लिए हूँ मुझे खुद ही नहीं पता है। और इस बात के बाद खेसारी लाल यादव ने एक इंटरव्यू में कहा कि काजल बेवफा नहीं हो सकती है, वो उनकी आज भी अच्छी दोस्त है। और खेसारी लाल यादव ने उनकी बहुत तारीफ भी की थी और उन्होंने इस बात पर सॉरी कहकर काजल राघवानी से माफी मांगी थी। और तो और लिट्टी चोखा के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर फिल्म के प्रोड्यूसर, फिल्म के निर्देशक और साथ ही साथ लीड एक्टर खेसारी लाल यादव तो दिखे थे, लेकिन काजल राघवानी जो इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस है वो नहीं दिखी थी। अगर फिल्म के पोस्टर लॉन्च और ट्रेलर लॉन्च की तस्वीर देखी जाए तो दोनों दिन फिल्म के पोस्टर में तो काजल राघवानी थी, लेकिन फिल्म को प्रमोट करने वाले किसी भी इवेंट में वो नहीं नजर आई थी। पर अब ऐसा लग रहा है कि दोनों की दोस्ती वापस से हो गई है। इस वजह से काजल राघवानी खेसारी लाल यादव को बधाई दे रही है। अब देखने में मजा ये आएगा कि इन दोनों की दोस्ती कब तक बरकरार रहती है। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ देखते रहे जनता रंक्षण। हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे लाइक करें और ट्विटर पे फॉलो करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह बेबाक अंदाज में पत्रकारिता करते रहे तो स्क्रीन पर दिख रही डिटेल्स पर डोनेशन दें।